हेलो एवरीवन, आप सबको पता होगा कि ओसीसीआरपी ने हाल ही में रिपोर्ट निकाला है अडानी ग्रुप के ऊपर। अगेन हिंडनबर्ग ने निकाला था साल के शुरुआत में और साल के बीच या अंत में ओसीसीआरपी का एक और रिपोर्ट आ गया। बट ये रिपोर्ट काफी डिटेल्ड है और काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा मैं पढ़ लेता हूँ और एक वीडियो भी बना देता हूँ इस पे। ओसीसीआरपी एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट बोलकर एक ग्रुप है जहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट साथ में काम करते हैं। 6 कॉन्टिनेंट्स में इसका प्रेजेंस है। 2006 में फॉर्म हुआ था एंड इसने एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली है अडानी ग्रुप पे। तो अपन ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, 9-10 पेज का रिपोर्ट है, या ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सिंगल स्लाइड में 1 पेजर में इस पूरे रिपोर्ट को कवर करने की कोशिश करी है। उस नोट पे मैं चालू करता हूँ, बट उससे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट का एक क्विक ग्लिम्स देता हूँ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बोला था कि अडानी ग्रुप इज डूइंग ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन, अडानी ग्रुप इज डूइंग एन अकाउंटिंग फ्रॉड, अडानी ग्रुप इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, ऐसे टाइप के टर्म्स यूज हुए थे उस टाइम पे। बट उस रिपोर्ट को बेबुनियाद बोल दिया गया था। सेबी का ये आ गया था कि भाई ये जो हम वी आर हिटिंग वॉल्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज एक पॉइंट के बाद वो लोग भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफी सारी कंपनीज मॉरिशियस बेस्ड थी, तो ऑफशोर अकाउंट्स मिलना, ऑफशोर डिटेल्स मिलना एक मुश्किल हो रहा था। तो उसके कारण वो इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ रोक दी गई थी उस टाइम के बाद। बट इस रिपोर्ट के साथ अगेन वही सब वापस चालू हो जाता है। अगर उसके साथ मैं जोड़ू हमारी हमेशा की अफवाह जो चलते रहती है कि अडानी और मोदी बहुत क्लोज है या नहीं, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। बट एक फैक्ट है कि 2013 में, सितंबर 2013 में लगभग लगभग $8 बिलियन का जो मार्केट कैप था अडानी ग्रुप का, वो $260 बिलियन हो चुका है बाय लास्ट ईयर। 47% की अगर पे ग्रो हुआ है, ये एक फैक्ट है। बट अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूं, इस रिपोर्ट में तीन बंदे बहुत इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द अडानी ग्रुप। ये तीन बंदे कौन है? नसर अली शाबान अली जो एक यूएई बेस्ड बंदे हैं, चांग चुंग लिंग जो ताइवान बेस्ड हैं, और विनोद अडानी जो गौतम अडानी के भाई हैं। ये तीन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको इस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इन दो में, इसमें भी स्पेशली ये जो दो लोग हैं नासिर अली और चैंग चुंग लिंग, ये दोनों का बहुत ज्यादा एसोसिएशन और इन्वॉल्वमेंट बताया गया है इस रिपोर्ट में। कैसे बताया गया है वो मैं अभी कवर करता हूँ। बट जस्ट बिफोर दैट मैं दो केस स्टडीज प्रेजेंट करना चाहता हूँ जो इस रिपोर्ट में दी गई है। पहला केस स्टडी है 2007 का इन्वेस्टिगेशन इनटू एन एलिज्ड इलीगल डायमंड ट्रेडिंग स्कीम। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक एलिगेशन लगाया था कि अडानी ग्रुप इलीगल डायमंड ट्रेडिंग स्कीम में इन्वॉल्व है। और यहाँ पर ये पता चला था कि चैंग जो है वो तीन अडानी ग्रुप कंपनीज के डायरेक्टर हैं, और चैंग जो सिंगापुर में जिस एड्रेस पे रहते हैं वो एड्रेस विनोद अडानी का भी सिंगापुर एड्रेस है। इसके अलावा अली जो है एक ट्रेडिंग फर्म में इन्वॉल्व थे जो इस पूरे स्कीम में इन्वॉल्व थी। तो उस टाइम पे 2007 में इन तीनों का एक लिंकेज डेवलप किया गया था, एलिगेशन ही सही, एक लिंकेज डेवलप किया गया था। फिर 2014 में सिमिलर एक इन लोग का लिंकेज डेवलप किया गया जहां पर पता चला कि एक ओवर इन्वॉइसिंग स्कैम हुआ है, जहां पर अडानी ग्रुप बोलता है कि हम पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए हम फंड्स बाहर भेज रहे हैं, और उन्होंने लगभग लगभग $1 बिलियन का फंड 2014 में भेजा था ओवरसीज फॉरेन सब्सिडियरीज को। एंड उस टाइम पे डीआरआई का ये एलिगेशन था कि ये लोग ओवर इन्वॉइसिंग का स्कैम कर रहे हैं और ज्यादा पैसे बाहर भेज रहे हैं जरूरत से ज्यादा। और उस टाइम पे अगेन चैंग और अली का नाम आया था, और वहां पर अगेन ये पता चला था कि चैंग और अली उन कंपनीज के डायरेक्टर हैं जो विनोद अडानी ओन करते हैं खुद। तो ये अगेन एक इन तीनों के बीच लिंकेज डेवलप किया गया था। बेसिकली उन दोनों इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू इन सबको रिलेटेड पार्टी बताने की कोशिश की गई थी, बट उन एलिगेशंस का क्या हुआ वो एक अलग बात है। इसके बाद मैं अगर अपने इस रिपोर्ट की, ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के ऊपर बात करूं, तो यहाँ पर ये दो इंसान जो हैं अली और चैंग, ये दोनों के ऊपर ये बताया जाता है कि अली और चैंग दो मॉरिशियस बेस्ड फंड्स के थ्रू अडानी ग्रुप में पैसा लगाते हैं। दो मॉरिशियस बेस्ड फंड्स हैं EIFF और EMRF, और उनके थ्रू इन लोगों ने अडानी में 2013 से 2018 में इतनी ट्रेडिंग करी कि इन लोगों ने बहुत पैसा बनाया, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई कर करके बहुत पैसा बनाया। बट इस पूरे रिपोर्ट का क्वेश्चन क्या है, वॉट इज द मेन पॉइंट दिस रिपोर्ट वॉन्ट्स टू कन्वे, वो मैं अभी शुरू में ही बता देता हूँ। द पॉइंट हियर इज कि जो पैसे इन लोगों ने इन्वेस्ट करे अडानी में, वो पैसे इनके पास कहाँ से आए?
ये एलिगेशन है कि वो पैसे एक्चुअली अडानी ग्रुप के खुद के पैसे थे जो रिवॉल्व कर करके इन लोगों ने वापस लेके आया है। बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग काइंड ऑफ एलिगेशंस हैं। उसके अलावा एक और मेजर एलिगेशन यहाँ पर ये बनता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि उनको 25% फ्लोट मेंटेन करना पड़ता है, यानी 25% ऑफ द होल्डिंग शुड बी विद द पब्लिक। बट अगर ये लोग वो शेयर्स ओन करते हैं विच वेर वेर दे देमसेल्स आर रिलेटेड पार्टीज, और ये पैसा अगर अडानी का खुद का ही, अडानी ग्रुप का खुद का ही पैसा है, विच मीन्स कि अडानी ने एक्चुअली 25% फ्लोट भी नहीं रखा है, क्योंकि उस फ्लोट का भी एक हिस्सा अडानी ग्रुप इनडायरेक्टली खुद ओन करता है। अडानी ग्रुप खुद एक बेनिफिशियल ओनर है। एंड वो एक और एलिगेशन है कि अडानी ने ये भी गलत किया है। उसके कारण अडानी को क्या बेनिफिट होता है, एक फॉल्स स्कैर्सिटी क्रिएट करते हैं, फॉल्स डिमांड क्रिएट करते हैं, सप्लाई स्कैर्सिटी क्रिएट करते हैं, जिसके कारण शेयर का भाव बहुत स्काई रॉकेट करता है। ये एलिगेशन इस रिपोर्ट में किए गए हैं, एंड ये कैसे हुआ होगा ये रिपोर्ट उसके बारे में बताता है जो मैं बताने वाला हूँ अभी। तो चैंग और अली इन दो फंड्स में पैसे लगा रहे थे, विच वॉज फाइन, बट वो पैसे कहाँ से लगा रहे थे? ये लिंगो इन्वेस्टमेंट जो चैंग की कंपनी है, गल्फ अरिज ट्रेडिंग जो अली की कंपनी है, मिड ईस्ट ओशन जो अली जिसका बेनिफिशियल ओनर है, अगेन गल्फ एशिया ट्रेड जो अली की कंट्रोल्ड कंपनी है, और लास्टली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड जो एक बरमुडा बेस्ड फंड है। इन कंपनीज, इन फंड्स के थ्रू ये लोग इन दो फंड में पैसा लगाते थे और फर्दर अडानी में लगाते थे। ठीक है, तो ये एक इस रिपोर्ट में बताया गया है। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि थ्रू ऑल दिस ये लोग अडानी में लगभग लगभग 8 से 14% ओनरशिप होल्ड करते थे। मेनली ये लोग चार कंपनीज में ट्रेड करते थे अडानी ग्रुप के, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड अडानी ट्रांसमिशंस, और इन सब में इनकी होल्डिंग 8 से 14% हो गई थी ऑफ द फ्लोट। तो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिगेशन है। नॉट ओनली दैट, ये भी बताया जाता है कि मार्च 2017 में इन लोगों का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में 430 मिलियन 430 मिलियन डॉलर्स का हो चुका था, विच इज अ वेरी स्टैगरिंग अमाउंट। इसके बाद और इस रिपोर्ट में डीप डाइव किया जाता है कि हाउ दीज थ्री पीपल आर एक्चुअली रिलेटेड, और ये बहुत अगेन इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है रिपोर्ट। एक नई कंपनी आती है हमारे पिक्चर में, एक्सेल। एक्सेल जो है ये EIFF और EMRF के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है फॉर एडवाइजरी सर्विसेज। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक्सेल एडवाइजरी सर्विसेज देगी EIFF और EMRF को, इवन गल्फ इवन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को, और ये लोग फिर उसको एडवाइजरी फी देंगे। दिस वॉज अ अग्रीमेंट, एडवाइजरी अग्रीमेंट। बट फिर बाद में ये पता चलता है कि नहीं, एक्सेल को एक और कंपनी ओन करती है जो असेंट है, और असेंट को एक्चुअली ओन करते हैं विनोद अडानी एंड हिज वाइफ। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स जोड़ना चाहता हूँ कि जो अग्रीमेंट EIFF EMRF वर्सेस एक्सेल के बीच हुआ एडवाइजरी अग्रीमेंट, वो एक्चुअली खुद विनोद अडानी ने साइन किया, ये एलिगेशन है इसमें। सेकंड, इसमें ये बताया जाता है कि असेंट एक्सेल को ओन करता है, ये उनको ईमेल ट्रेल से पता चला। सॉरी, सेकंड इसमें ये बताया जाता है कि विनोद अडानी एंड वाइफ ओन्स असेंट, ये उनको पता चला थ्रू एन ईमेल ट्रेल। और नॉट ओनली दैट, विनोद अडानी इज ऑन द बोर्ड ऑफ द असेंट, ये उनको मॉरिशस के कॉरपोरेट रिकॉर्ड से पता चलता है। एंड थर्ड पॉइंट, जब असेंट का एक्चुअल ऑडिट होने वाला था तो असेंट के फंड मैनेजर्स ने एक्चुअली ईमेल ट्रेल्स है वहां पर, ऐसा बताया जा रहा है कि जिसमें वो लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि एक्सेल में जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसको जस्टिफाई किया जाए, ये बोला जाए कि हमने मल्टीपल कंपनीज में पैसा लगाया और मल्टीपल कंपनीज को स्क्रीन किया और एक्सेल उसमें से हमने शॉर्टलिस्ट करके लगाया, ऐसा आर्बिट्ररी इन्वेस्टमेंट नहीं था हमारा। तो ये उसमें स्टोरी है। और फिर ये पता चलता है कि EIFF, EMRF एंड इवन GOF, इन्होंने मिला के लगभग लगभग 1.4 मिलियन डॉलर्स, जो 10 से 12 करोड़ के रुपए के बीच अमाउंट होता है, उतने रुपए का एडवाइजरी फी दिया था एक्सेल को जून 2012 से अगस्त 2014 के बीच। अगेन, इसके थ्रू ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं EIFF, EMRF विनोद अडानी से लिंक्ड है। EIFF EMRF का लिंकेज हमको चैंग और अली से यहाँ पर दिख जाता है, और चैंग अली वर्सेस विनोद अडानी का लिंकेज हमको इन दो केस स्टडीज से भी पता चलता है। तो ये अभी तक पूरा बताया जा रहा है कि हाउ दीज गाइज आर रिलेटेड पार्टीज, हाउ दे आर ट्राइंग टू मूव फंड्स। और अब मैं इस रिपोर्ट का लास्ट लेग कवर करने जा रहा हूँ, जहां पर इस 2014 की जो DRI इन्वेस्टिगेशन थी ओवर इन्वॉइसिंग स्कीम में, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि उस ओवर इनवॉइसिंग स्कैम से जो भी पैसे बने थे वो पैसे इलेक्ट्रोजन इंफ्रा FZE बोलकर एक UAE बेस्ड कंपनी को ट्रांसफर किए गए,
जिसने खुद उस पैसे को आगे एक सिमिलर नेम की कंपनी इलेक्ट्रोजन इंफ्रा होल्डिंग, जो कि एक मॉरिशियस बेस्ड कंपनी, उसको ट्रांसफर कर दिया। और लगभग लगभग $1 बिलियन प्लस अमाउंट था, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। गेम ये जो पैसा है मॉरिशियस बेस्ड कंपनी ने आगे असेंट को ट्रांसफर किया, जो कि हमने अभी देखा कि वो कहीं ना कहीं विनोद अडानी से लिंक्ड है, एटलीस्ट इफ नॉट ओन्ड। और फिर ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोजन और असेंट दोनों विनोद अडानी की कंपनी है। इतना ही नहीं, एक इसमें फनी बात और बताई जाती है कि इलेक्ट्रोजन और असेंट दोनों के बिहाफ पे जो लोन अग्रीमेंट है वो विनोद अडानी ने खुद साइन किया। बेसिकली लेंडर भी वही है, बोरोअर भी वही है। फिर असेंट के पास जब पैसा आता है इलेक्ट्रोजन मॉरिशस से, असेंट उस पैसे को इन्वेस्ट करता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड उस पैसे को इन्वेस्ट करता है EIFF में और एशिया विजन फंड, जो अगेन एक मॉरिशस बेस्ड फंड है। तो ये लास्ट लेग ऑफ रिपोर्ट है। अगेन यहाँ पे ये ट्राई किया जा रहा है ये बताने के लिए कि पैसा कैसे मूव हो रहा है, एंड द सोर्स ऑफ मनी इटसेल्फ वाज, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अडानी ने कुछ स्कैम्स या कुछ इलीगल काम करके पैसे को मूव किया है ओवरसीज। एंड ओवरसीज एक बहुत रशियन डॉल स्कीम, जहां पर बहुत ही एक कॉरपोरेट चेन्स है, बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, उनके थ्रू पैसा रूट करके अगेन खुद ही के कंपनी, खुद ही के ग्रुप शेयर्स में इन्वेस्ट करवाया है। ये इस रिपोर्ट के एलिगेशन है। तो आई थॉट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, इसलिए मैंने ट्राई किया इस रिपोर्ट को जस्टिफाई करने का। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू कन्वे एंड यू लाइक्ड व्हाट आई कन्वेड। सो कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।